राघव पुनीत और धर्मेश स्टारर फिल्म नवाबजादे हो गई है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज। जानिए क्या है फिल्म के लिए दर्शकों और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल TMS मीडिया की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। इस तरह की खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। वो फिल्म जिसके लिए दर्शकों में बेहद लंबे समय से क्रेज नजर आ रहा था, बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में राघव जुयाल, पाठक और धर्मेश यलांडे लीड रोल में है। कहानी दर्शकों को तब गुदगुदाना शुरू कर देती है जब ये तीनों दोस्त एक ही लड़की से प्यार कर बैठते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब इस लड़की के चक्कर में ये तीनों फंस जाते हैं। उसके बाद सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि आप हंसने लगेंगे। नवाबजादे से जयेश प्रधान बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने बॉलीवुड में बहुत से गाने कोरियोग्राफ किए हैं, लेकिन बतौर डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म है। इस फिल्म को रामो डिसूजा के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया है। जहाँ एक तरफ फिल्म को दर्शकों ने बेहद बेहतरीन कॉमेंट्स दिए हैं, वहीं इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी सराहा है। यानी इस हफ्ते इस फिल्म का फुल पैसा वसूल साबित होना लाजमी है। तो चलिए इसी के साथ दीजिए इन खबरों से इजाजत। फिर मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।